एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल देवांशी किचन। आज मैं आपके लिए मटका कुल्फी की रेसिपी लेकर आई हूँ। ये बनाना बहुत आसान होता है, आप इजीली अपने घरों में बना सकते हैं। मार्केट से भी अच्छा, बाज़ारों से भी अच्छा, अपने घरों में आप आसानी से बना सकते हैं। तो मैंने कुल्फी बनाने के लिए मैंने लिया है 1 लीटर दूध। आप पाउडर का भी दूध ले सकते हैं, यानी जो पैकेट का जो आता है वो भी आप ले सकते हैं। तो मैंने यहाँ 1 kg दूध लिया है, इसको मैंने गैस पर चढ़ा दिया है। अब इसे हम उबाल आने से पहले हम क्या करेंगे, एक कटोरी में बस 2 चम्मच दूध निकाल लेंगे। ये देखिए, इसे क्या करना है मैं आपको बाद में बताती हूँ। ये देखिए, दूध में उबाल आ चुकी है। इसको हमें अच्छी तरह से पकाना है, यानी आप 1 लीटर दूध लिए हैं, 1 kg दूध लिए हैं आप, तो उसमें करीब 100 या 150 ग्राम दूध को रिड्यूस करना है। तो इसको अच्छी तरह से पकाना है। और ये जो साइड साइड में जो मलाई जमती जा रही है उसे इस तरह से इसमें मिक्स कर देना है, ताकि जल्दी जल्दी दूध गाढ़ा हो सके। ये देखिए, जो मैंने दूध निकल कर रखा था उसमें मैं डालूंगी कस्टर्ड पाउडर। ये देखिए, यही तो मटका कुल्फी की मेन चीज़ है, मेन सामान है। इसमें मैं 2 चम्मच डाल दूंगी, ज़्यादा नहीं डालना है, बस 2 चम्मच। अब इसको मैं अच्छी तरह से मिक्स करूंगी। ये देखिए, दूध तो करीब सूख चुकी है, एक्स्ट्रा पानी। अब इसमें हम डाल देंगे चीनी, मीठा अनुसार आप चीनी डालिएगा। और थोड़ा फ्लेवर बढ़ाने के लिए मैंने यहाँ लिया है 2 इलायची, इसे मैंने पाउडर बना लिया है। इलायची की जगह आप केसर भी डाल सकते हैं। अगर ये रेसिपी आपको पसंद आ रही है तो 1 लाइक ज़रूर कीजिएगा। आपका 1 लाइक से मुझे अच्छी अच्छी वीडियो, अच्छी अच्छी रेसिपीज लाने की प्रेरणा मिलती है। अब मैं इसको थोड़ी देर और पकाऊंगी, तब मैं इसको जो कस्टर्ड वाला पाउडर का जो दूध बना के मैंने रखा है उसको मैं डालूंगी। अब मैं इसमें डालूंगी कस्टर्ड वाला दूध। ये देखिए, ये तो नीचे से बैठ चुकी है बर्तन में, इसको हमें मिलाते हुए डालना है। अब इसको लगातार चलाते रहना है, नहीं तो ये कढ़ाई में चिपक जाएगी। और ये देखिए, खुद ब खुद गाढ़ा होते जा रही है। आप चलाते चलाते खुद फील करेंगे ये गाढ़ा हो रही है, देख सकते हैं। ये देखिए, बस ऐसे चलाते जाना है। जिस समय आप कस्टर्ड पाउडर डालें उस समय आप फ्लेम को लो रखें, ताकि ये चिपक न सके। बस ये देखिए, अब लगभग हो चुकी है। बस इसे चेक करने का मैं आपको ट्रिक बताती हूँ। जैसे कि आपने 1 चम्मच उठाया और देखिए ऐसे लाइन बन रही है कि नहीं, ये देखिए नहीं हो रही है। अभी इसको मैं और पकाती हूँ। ये देखिए, ये तो हो चुकी है, ये देखिए लाइन बन रही है, मतलब ये हो चुका है। अब हम गैस को ऑफ कर देते हैं। ये देखिए, इतना गाढ़ा रहना चाहिए, क्योंकि जब ये ठंडा होगा तो और ज़्यादा गाढ़ा हो जाएगा। ये देखिए, मैंने एक बर्तन में निकाल दिया है, ताकि ये अच्छी तरह से ठंडा हो सके जल्दी। अब मैं इसे फैन के नीचे रखती हूँ अच्छी तरह से ठंडा होने के लिए। ये देखिए, और गाढ़ा हो चुकी है ठंडा होने के बाद। मैंने लिया यहाँ पे ग्लास। अब मैं इसमें काजू किशमिश जो मैंने काट कर रखा था उसको मैं डाल दूँगी थोड़ा थोड़ा। अब मैं सभी ग्लास में भर दूँगी।
अब मैं एक पन्नी लूँगी इस तरह के, आप इसका जहाँ पर एनमोनियम जो फॉइल पेपर आता है उसको भी आप ले सकते हैं। इस तरह से मैंने ये लकड़ी चम्मच ली है, इस तरह से डाल दूँगी। अब लेंगे एक रबड़, इसको हम इस तरह से लगा देंगे, इस तरह से देख सकते हैं। ये देखिए मैंने सभी ग्लास में प्लास्टिक लगा चुकी हूँ। अगर आपके पास कांच के ग्लास नहीं है तो आप इस तरह के स्टील कंटेनर में आप बना सकते हैं, बस इसमें प्लास्टिक की ज़रूरत नहीं है, बस इसमें ढक्कन लगा दीजिए, बस हो गया। और थोड़ा एक्स्ट्रा हो गई थी तो मैं अपनी बेटी के लिए छोटा सा ग्लास में उसके लिए बनाती हूँ। मेरी बेटी का आइसक्रीम बहुत पसंद है तो उसके लिए मैं अलग से बनाती हूँ, क्योंकि वो गोटा चाहती है इसीलिए उसको अलग से मैं बना देती हूँ। तो अब इसको मैं फ्रिज में रखती हूँ ओवरनाइट के लिए, तो मिलती हूँ मैं आपको मॉर्निंग में। ये देखिए मैंने फ्रिज से निकाल दिया है और अब मैं इसको प्लास्टिक खोल कर दिखाती हूँ। लाइट को थोड़ी प्रॉब्लम हो गई है तो प्लीज़ आप इसे इग्नोर कीजिएगा। चलिए मैं आपको खोल कर दिखाती हूँ। ये देखिए कितना बढ़िया आइसक्रीम बनी है मटका कुल्फी। मैं सभी को खोल लेती हूँ। ये देखिए मैंने प्लास्टिक सभी हटा दिया है, इसे निकालना बहुत आसान है, बस इस तरह हाथों पर थोड़ा घुमाइए। ये देखिए कितना अच्छी आइसक्रीम बनी है मटका कुल्फी। ये देखिए मैंने सभी को निकाल दिया है। ये देखिए कितना बढ़िया बना है, आप देख सकते हैं। आप अपने घरों में आसानी से बना सकते हैं। अगर मेरे चैनल पर आप नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लें और साथ में बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, ताकि मैं नेक्स्ट वीडियो डालूँगी तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको ही मिलेगा। तो मिलती हूँ अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।